हालेलुया, सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप आमर दी मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीषों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, हम आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो आज हमारा टॉपिक है कि रविवार आराधना की आशीष ले जाओ। हालेलुया, कि रविवार आराधना की आशीष ले जाओ। हालेलुया, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो को संडे को महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं अगले संडे चले जाएंगे, नहीं अगले संडे चले जाएंगे, नहीं अगले संडे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम वचन पढ़ते हैं, यशाया 58 की 13 में लिखा हुआ है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे। मतलब हम लोग कई बार ही उसको अशुद्ध कर देते हैं। हम चर्च में नहीं जाते हैं, हम भवन में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि भवन जाने के फायदे क्या क्या होते हैं। हालेलुया, लेकिन पहले हम थोड़ी देर वचन पे इस पे चलते हैं, तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ पूरी डिटेल इसकी। लिखा हुआ है यरे तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें। हालेलुया, मतलब कि हम लोग उसको, बहुत से ऐसे लोग जब हम चर्च में नहीं जाते तो हम उस दिन को अशुद्ध कर देते हैं। हालेलुया, लिखा कि अर्थात उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें। हालेलुया, दूसरी बात वो होता है पवित्र दिन। हालेलुया, पहले शनिवार था फिर संडे है, क्या है कि इस पर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस पवित्र दिन को हम कहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन लोग क्या है कि उस पवित्र दिन की महत्व को नहीं समझते हैं। हालेलुया, वचन का कहता है कि वह पवित्र दिन, पवित्र बाइबल कह रही है पवित्र दिन, मतलब इस बात को समझे जो रविवार होता है वो क्या होता है, वो पवित्र दिन कहलाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि उस दिन अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं संडे को शादी रख लेते हैं, संडे की पार्टी रख लेते हैं, संडे का बर्थडे रख लेते हैं, संडे को छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं, संडे को चाची पास जाएंगे, संडे को मासी पास जाएंगे, संडे को नानी पास जाएंगे, संडे को दादी पास जाएंगे, संडे को ये चलेंगे, संडे को पिकनिक चलेंगे। हमें लोग ये लगता है कि जो रविवार है ये एक व्यर्थ दिन है, और रविवार वाले दिन क्या करेंगे, एक रिलैक्स दिन होता है, अपने घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे और पार्टी शार्टी करेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि उस पवित्र दिन में, पवित्र दिन रविवार का जो दिन होता है ये पवित्र दिन कहलाता है, और हम इसको व्यर्थ दिन कहलवा देते हैं कि तो व्यर्थ दिन है जी, ये तो व्यर्थ दिन है जी, ये तो व्यर्थ दिन है जी। हालेलुया, लेकिन इसको पवित्र दिन कहा जाता है। दूसरी बात लिखा कि उस दिन अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें, और हम क्या करते हैं, हम उसी दिन ही अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, आगे लिखा हुआ है और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हालेलुया, ये नहीं अरे यार संडे जाना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, नहीं अगले संडे जाएंगे, नहीं। वचन कहता है कि रविवार को तुम लोग उसको पवित्र दिन मानो और उसको आनंद का दिन मानो। हालेलुया, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले। तीसरी बात भी आ गई है, पहली बात क्या थी कि हम लोग वो जो दिन है वो एक शुद्ध दिन है, दूसरी बात वो जो दिन है वो एक पवित्र दिन है, और तीसरी बात क्या है वहां पे लिखा हुआ है, सम्मान। हम सम्मान किसका करते हैं, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े मंत्रियों का, अपने माता पिता का, और अपने जो खास होते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। और वचन कहता है यदि तू उसका सम्मान करे, किसका, संडे का, रविवार का, हालेलुया, एतवार का, हालेलुया, अगर आप उसका सम्मान कर अपने मार्ग पर नहीं चलते और अपनी इच्छा पूरी नहीं करते और अपनी ही बातें न बोलें, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। स्पष्ट स्पष्ट साफ साफ भाषा में लिखा गया है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, हर जगह, हर एक भाषा में, जिस जिन भाषा में बाइबल लिखी गई है,
कि अगर आप एतवार को आप उसको अशुद्ध कर देते हो, अपवित्र कर देते हो, उसको असम्मानित कर देते हो, मतलब उसको आप सम्मान ही नहीं करते, तो आप आशीष नहीं होगे। अगर आप एतवार को, जो आपको एक व्यर्थ का दिन लगता है, आपको मौज मस्ती का दिन लगता है, आपको घूमने का दिन लगता है, आपको रेस्ट डे लगता है, आपको वो लगता है कि हाँ आप थकावट दूर करेंगे और टिका के सोएंगे घर के अंदर, तो आप व्यर्थ हो। आप महत्व को समझें। वचन कहता है तीन बातें लिखी गई हैं तीन लाइन में। पहला कि हम लोग उस दिन को शुद्ध करें, हालेलुया। दूसरी उसको हम पवित्र दिन कहें, और तीसरी हम उस दिन का सम्मान करें। अगर आप ये तीनों बातें करते हो तो यहोवा के कारण सुखी होंगे। ये नहीं है कि कोई बात नहीं मेरी पत्नी जा रही है, कोई बात नहीं मेरा पति जा रहा है, ऐसा नहीं। ये आपने कभी कहते हैं कि ऐसा करो मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है, पांच रोटियां मेरी खा लो। अगर आपका पति ये कह दे तू रोटी मत खा, तीन चार दिन तक तेरी रोटी मैं खा रहा हूँ और मेरी रोटी भी मैं खा रहा हूँ, तो गलत है ये लोग। हालेलुया। इसलिए ये नहीं कि पत्नी जा रही है चर्च में, आप घर में बैठे सो रहे हो, वासी ले रहे हो, फिल्म देख रहे हो, मस्ती मार रहे हो, घूम रहे हो, मेरी पत्नी तो जा रही है चर्च में, वो अपने आप संभाल लेगी। नहीं, आपने अपना लेखा देना है, उसने अपना लेखा देना है। वहाँ भी यह नहीं लिखा जाएगा कि इसकी साहब राम की पत्नी चर्चाती थी, या दिनेश की पत्नी चर्चाती थी, या राजकुमार की पत्नी चर्चाती थी। नहीं, हर आदमी का अलग अलग हिसाब होता है, उसको अपना अपना लेखा देना पड़ता है। हालेलुया। ये तो ऐसे क्या है, एक इंसान पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप कर रहा, पाप कर रहा, और एक इंसान पवित्र आत्मा में भरता है, भरता है, भरता है, और वे कहे जब तू मरे ना तो मुझे क्या करना, तू मुझे ऊपर खींच लेना, मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, तो ये सब व्यर्थ है। आप ये तो मत सोच लेना कि उसे सब कुछ हो जाएगा, आप गलत हो। हालेलुया। और वचन क्या कहता है यहाँ पे, इसी कारण तू यहोवा के कारण सुखी होगा, मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तुझे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के सुख से यह वचन निकला है, सॉरी मुख से यह वचन निकला है। अगर हमें कोई कह दे और वो मुकर जाए, हम कहते हैं ओहो उसने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। और अगर कोई ऐसा बड़ा नेता, बड़ा कोई प्रोफेशनल इंसान, बड़ा करोड़पति आपसे कोई वादा कर दे और आपको ये है कि हाँ हाँ मुझे गारंटी है, ये क्या करेगा, ये वादा कभी नहीं तोड़ सकता, ये तो वादे का बहुत पक्का है। ये वचन जो मैंने आपको बताया, ये परमेश्वर का मुख से निकले हैं, मुँह से निकले हैं कि मैं तुझे फलवंत करूँगा, तुझे आशीष करूँगा, तुझे भर दूंगा, जो याकूब को आशीष दी थी वो आशीष है तुझे दूंगा मैं, ये सब कुछ मैं करूंगा। लेकिन तीन बातें तू मत करना। क्या मत करना? उस दिन को अशुद्ध मत करना, उसको असम्मानित मत करना, उसको अपवित्र मत करना। हालेलुया। अगर आप इन चीज तीनों करते हो तो आप आशीष नहीं पा सकते हो। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप यहीं के यहीं रह जाओगे। हालेलुया। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि चर्च जाना क्यों जरूरी है। ये तो मैंने आपको बाइबल में से बताया सब बातें, ऐसा ऐसा और ऐसा जो पवित्र बाइबल कह रही है। और अब मैं कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि परमेश्वर के वचन में कही की है, और जो इन बातों का निचोड़ है वो आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि महीने में एक बार ही हम चर्च चल जाए, इतना बहुत होता है, तो आप गलत हो। अगर आप दूर हो तो बात अलग है। हालेलुया। छोड़ो, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। हम एक आम इंसान है, वो क्या करता है, संडे सुबह उठता है, नहाता, कहता चलो मैं चर्च चलता हूँ, वो अपनी बाइबल को उठाता है और चर्च आता है, चर्च आकर भजन सुनता है, आराधना सुनता है और वापस चला जाता है, और थोड़ा नाश्ता वास्ता करके अपने घर में पहुँच जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें से रस कैसे निकाल सकते हैं, हम इसमें से शायद कैसे निकाल सकते हैं, हम इसमें से बरकत कैसे पा सकते हैं। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल जैसे कि हमारे चर्च में हम लोग पहली फोटो अपलोड कर देते हैं कि आज पवित्र आत्मा का दिन है, आज चंगाई का दिन है। तो आप जब चर्च जा रहे हो, परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, तो आपको तो पता ही है कि आज इस बात की प्रार्थना है। क्या नहीं पता है आपको? पता है, जब कुंडी हिलाया जाता था वहाँ पे क्या होता था कि उनको पता, ये तो पता था कि इस टाइम में कुंडी हिलाया जाता है, लेकिन क्या था,
बहुत से कम लोग जो थे वो आशीष को पाते थे, कुछ लोग पाजर कुछ लोग रहते थे। लेकिन जब आपको पता है 5 दिन पहले आपके पास फोटो आ गई, 3 दिन पहले आपके पास फोटो आ गई कि आज इस चीज़ की प्रार्थना है, तो आप अपने आप को दृढ़ करें कि हाँ आज तो चंगाई छुटकारे का दिन है और आज मैं चंगाई को पा कर ही आऊँगा, जो कुछ मर्जी हो जाए और आज मैं चंगाई को पा के ही आऊँगा। और अगर आप में कोई और प्रॉब्लम है जिसकी अगर पवित्र आत्मा चाहते हो, तो अगर पवित्र आत्मा का टॉपिक है तो आप ये कहो कि हाँ हाँ आज मैंने पवित्र आत्मा को जब मैं भवन में जाऊंगा तो मैंने पाकर ही आना है। हालेलुया, आप ये ना सोचें कि बस जाना ही आना है। हालेलुया, अगर आप अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो अभी तक आप पक्के मसीह नहीं बने हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा का 9 फल 9 वरदान जैसे हैं, और अगर आप में वो नहीं है तो अभी अब तक आप पक्के मसीह नहीं बने हो। अगर आपका 20 साल से आप मसीह में हो और आपके पास एक भी वरदान नहीं है, 20 साल से आप मसीह में हो तो आपको एक भी आत्मा का फल नहीं है, तो अभी तक आप पक्के मसीह नहीं बने हो। आपके पास डिग्रियां नहीं है अभी तक मसीह की। हालेलुया, हम में अगर आप चर्च में जाते हो, चर्च में जब आप आराधना सुनते हो उसको ऐसा फील करें कि हाँ आज मेरे छुटकारे का दिन है, और जब हम फायर वर्ड्स जब हम फायर शब्दों को सुनते हैं कि ये चंगा हो रहा है ऐसा, और उन चीज़ों को पकड़ें, उन पकड़ के उनको क्या करें कि हाँ ये मेरे लिए है, हाँ इसको मैं रिसीव करता हूँ, हाँ इसको मैं रिसीव करता हूँ, हाँ इसको मैं रिसीव करूँ, उन चीज़ों को रिसीव करें। हालेलुया, और तीसरी बात क्या है कि जब वचन सुनते हैं, वचन को सुने और उसको अपने पास रखें। जब मुश्किल आए, प्रॉब्लम है, उन वचनों को आप खोलें और शैतान का उन वचनों को रख दें कि शैतान तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि चर्च सिंपल जाना बात अलग है। अब देखिए, अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो आप यही चाहें कि मैं चर्च जा रही हूँ, मैं आज दुगना मस्सा को लेकर आ रही हूँ। हालेलुया, आप चर्च जा रहे हो आज, आप कह रहे हो आज यार आराधना में मैं झूम झूम के नाच नाच के आराधना करनी है। हालेलुया, और अगर आप अगर आप चंगाई के लिए जा रहे हो, अपने कहने के आज मैं चर्च जा रही हूँ और आज मैं चंगाई को पाना है, तो ये नहीं भी चर्च जा रहे हो वहाँ पे सुन रहे हो रहा खाली आत नहीं, बल्कि आप आशीष होके जाओ। और जब कई बार भेंट की बारी आती देने की, हम सोचने लगते हैं हमें भेंट देनी पड़ेगी, आपको ये होना चाहिए कि मैं कब भवन में जाऊँगी, हाँ ये भी पैसे भवन में दूंगी, ये भी पैसे भवन में दूंगी, क्योंकि मैं काटूंगी। हालेलुया, आप 10 रुपए बीज के और आप कहो कि मुझे करोड़ की मिरकल मनी हो जाए तो व्यर्थ है। हालेलुया, लेकिन क्या है कि हाँ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहेंगे प्रभु मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास 10 रुपए हैं वो मैं दे रही हूँ, तो बात अलग है। लेकिन क्या है कि जो बीजोगे वो काटोगे, इसलिए क्या है कि जब आपको ये होना चाहिए कि मैं संडे को बीज बो रही हूँ, तो अब क्या होगा, जैसे बीज बो दिया मेरे ये काम था मेरा हिस्सा, वो मेरा पूरा होने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, भेंट देना एक अलग बात है, ये एक अलग पार्ट है, ये आपको फलवंत करने का पार्ट है। जिस तरह अगर आप एक अनाज की बोरी बीज रहे हो, 10 काट रहे हो, उसी तरह ये है कि अगर आप ऐसे अपने परमेश्वर के उत्तम चीज को बीज रहे हो तो आप 10 जगह से उसको ब्लेस करोगे, उस 10 जगह से फलवंत हो जाओगे। हालेलुया, इसलिए आप क्या करें, संडे के महत्व को समझें। जब आप भवन जा रहे हो, आप ऐसे नहीं मैं भवन जा रही हूँ जाकर आ जाऊंगी, चल दोस्तों से मिल लेंगे वहाँ पे ऐसा नहीं है। एक लगन होनी चाहिए, जैसे कि आजकल तो नहीं है, पहले जब हम काफ़ी आज से 15 साल पहले चले तो संडे वाले दिन दूरदर्शन पर मूवी आती थी 4 बजे, वो पहले ऐड दे रहते थे कि ये मूवी आएगी, ठीक है। अब जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, यार वो मूवी आने वाली, वो एक आस लगा के रखते थे कि यार वो मूवी आने वाली है, वो मूवी आएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा भाग, जब मूवी देख लेते थे, मूवी देखने के बाद 3 घंटे की मूवी के बाद वो क्या करते थे, ऐसे नहीं बे चलो यार ठीक थी मूवी, ऐसे नहीं कहते थे, वो क्या कहते थे, अरे यार वहाँ पे सीन देखा था इतना अच्छा सीन था, अरे उसका एक्शन देखा था इतना अच्छा, ऐसा था, मतलब उस चीज़ों की बातें करते थे। और आप क्या करते हो, आप लगन लगाएं कि संडे आने वाला, और जब संडे आ गया तो आप आशीष को उठा लो और उसके बाद घर आकर सुनो ना हो जाओ, आप फैमिली से बात करें, आज चर्च में अभिषेक बहुत अच्छा था, आज का वचन बहुत अच्छा था, आज की गवाहियाँ बहुत ब्लेस थी, आज वहाँ पे ऐसा हुआ, आज ऐसा हो गया, आज वो रोगी चंगा हो गया, आज उसकी मैंने गवाही को सुना, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, आज मैंने ऐसा किया मेरा विश्वास, मतलब इन चीज़ों को आप नोटिस करें तो ही आप इन बातों को समझ पाएंगे, तो ही आप रविवार की आराधना की आशीष ले पाओगे। हालेलुया, तभी आप रविवार की ब्लेसिंग को ले पाओगे। हालेलुया, इसलिए इसके महत्व को समझें, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बाइबल में से मैंने आपको 3 लाइन में से 3 बातें समझा दी हैं,
कि अशुद्ध मत करो, अपवित्र मत करो, असम्मानित मत करो। अगर आप इस दिन अगर आप इस दिन की इज्जत करोगे, सम्मान करोगे, तो परमेश्वर अपने मुख से कह रहे हैं मैं तुझे फलवंत करूंगा। हालेलुया। अब आप देख लिए आप कैसे थे और कैसे नहीं थे। हालेलुया। अभी मैं और बहुत कुछ है आपको समझाने के चक्कर में, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपकी सोच ऐसी थी कि आप खाली आ जाते थे, खाली आते थे, खाली मन जाते थे, खाली मन आते थे, खाली अभिषेक जाते थे, खाली अभिषेक आते थे, तो आज आप अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं जिस मकसद के लिए चर्च जाता हूँ, बड़े बड़े आशीषों को लेकर आऊँ, बड़ी बड़ी चंगाई के लेकर आऊँ, बड़े बड़े धन की आशीष को लेकर आऊँ, बड़े बड़े मिरेकल को लेकर आऊँ, बड़े बड़े ब्लेसिंग को लेकर आऊँ, बड़े बड़े दया को लेकर आऊँ, बड़े बड़ी आशीषों को लेकर आऊँ, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारों को लेकर आऊँ, मैं तेरे वरदानों को लेकर आऊँ, मैं आपके आत्मा के फल को लेकर आऊँ, मैं अच्छे अच्छे वचनों को लेकर आऊँ, मैं अच्छी आराधना को लेकर आऊँ, मैं अच्छे भजनों को लेकर आऊँ। तो आप ऐसे प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि प्रभु महान है मेरे पिता, मुझे सब चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं फलवंत हो जाऊँ, मैं जब भवन में पैर रखूँ, मैं तेरे पवित्र आत्मा से भर जाऊँ, मैं जब तेरे भवन में आऊँ, जब मैं तेरे भवन के घुटने को टेकूँ, तो मेरी दुहाई को सुने, आप मेरी प्रार्थना को सुने, आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप हमें ब्लेस करें, आप हमारी रक्षा करें, आप हमें ब्लेस करें, जो मेरे परिवार को पर संकट है और संकट दूर हो जाए। आप इन चीज़ों को मांगे परमेश्वर से, कहें कि प्रभु जी मैं पहले ऐसा था, मैं पहले ऐसे सोचता था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं एक बड़ी आशीष को लेकर जाऊँ, मैं एक बड़ी ब्लैसिंग लेकर जाऊँ, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मैं ब्लैस होने पाऊँ मेरे पिता। और आज जो मैंने आज की प्रार्थना सुनी है, इसको मैं अन्य के कार्य में ना चलूँ, बल्कि इसके आगे मैं चलो, इसको मैं समझूं, इन शब्दों को मैं समझूं, और मैं लाख गुना फलवंत हो जाऊं, करोड़ गुना फलवंत हो जाऊं। मेरे पिता इन्हें ब्लेस करो, ये आशीष होने पाए। आपका अनुग्रह इनको ऊपर रहे मेरे पिता, आपकी ब्लेसिंग इनको ऊपर रहे मेरे पिता, आपका दया वाला हाथ इनको ऊपर रहे मेरे पिता, आपकी कृपा इनको ऊपर रहे मेरे पिता। ये लोग ब्लेस्ड रहें, ये लोग आशीष रहें। आज इन्होंने आपसे अंगीकार किया कि हाँ मैं गलत था, हाँ मैं पहले गलत सोच से जाता रहा भवन में, हाँ मेरी सोच ऐसी थी, हाँ मैं खाली हाथ जाता था, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े आशीषों को लेकर जाऊँगा, बड़े बड़े ब्लेसिंग को लेकर जाऊँगा, बड़े बड़े भेंटों को लेकर जाऊँगा, बड़े से विश्वास को लेकर जाऊँगा, और बड़ी आशीष से भर कर आऊँगा। और निश्चय परमेश्वर ये शैतान इन वचनों को चुराने न पाए, ये लोग ब्लेस हों, ये लोग आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।